आज मैं आपको घी चने की दाल में तड़का लगाना सिखाऊंगी। ये तड़के वाली दाल बहुत ही स्वाद लगती है, बड़ा टेस्ट आता है इसपे। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस होने के बाद कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। जैसे ही देसी घी थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये घी है गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा रहता है। इतने चलो हम और तैयारी कर लेते हैं, जो जो इसमें चीज चाहिए होती है। अब हम देखते हैं कि घी हुआ है कि नहीं गरम। अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। लेकिन ये दाल जब आप खाओगे घिया चने की तड़का लगा के तो आपको बहुत टेस्ट आएगा। आप पहले जो घिया चने की दाल बनाते थे ना उसको भूल जाओगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालते हैं। हमारा तेल, हमारा घी हो चुका है दोस्तों। ये हमारा जीरा भी लटक चुका है दोस्तों। इसको ऐसे मत हिलाओ, चमचे से ही कर जो करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे दोस्तों, और हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालेंगे दोस्तों, और हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। ये हमारा जो था कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, ये भी हो गई है दोस्तों। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे, जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डाला हुआ है। दो टमाटर हैं दोस्तों, आप चाहो तो और भी डाल सकते हैं। ये हमारी गैस थोड़ी सी बंद, हुई है दोस्तों, हम इसे थोड़ा सा तेज कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों मैं सादा नमक ले रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आम नमक से ये वाला नमक ज्यादा अच्छा होता है। अब हम इसे थोड़ी देर से पकाएंगे। थोड़ा सा गल जाए दोस्तों फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। हमारा टमाटर थोड़ा सा गलने लगा है, आप एक बार इसे बना के तड़का लगा के देखना दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखो दोस्तों अभी हमारा तड़का थोड़ा सा पकने लगा है, आप एक बार इसे बना के देखना, इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। अब दोस्तों ये हो गया है, हम और मसाले डाल देते हैं। इसमें और मसाले ऐड कर देते हैं हम। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी इसमें डाली है। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हो तो आप डाल सकती हैं। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, धनिया
तैयार हो गया है। अब हम इसमें किया चने की दाल डालते हैं जो मैंने पहले से ही उबाल के रखी हुई है। देखो दोस्तों, ये देसी घी में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, आप एक बार बना के जरूर देखें दोस्तों। अब ये हमारी दाल तैयार हो गई, बस हम इसे 2-3 मिनट पकाएंगे।